बैक टू माई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स एक और नई वैकेंसी के साथ हम हाजिर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल बैंकिंग, जहां पर इंडिया के तमाम यहां पर बैंक जो है पार्टिसिपेट करते हैं। इनमें से उत्तराखंड है, उत्तराखंड में ग्रामीण बैंक जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तमाम अलग अलग यहाँ पर पोजीशंस के लिए, ऑफिसर स्केल 2, 1, 3 एंड ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए। बात करते हैं हर एज की लेकर, तो अलग अलग यहाँ पर एज है। मिनिमम अगर हम बात करें ऑफिस असिस्टेंट के लिए 18 और मैक्सिमम 28 साल, इसी तरह से 30 साल, 32 और 40 यहाँ पर मैक्सिमम है। अकॉर्डिंग टू द एससी एसटी ओबीसी जो गाइडलाइन है एज रिलैक्सेशन की, उसमें आपको यहाँ पर मिनिमम यहाँ पर छूट दी जाएगी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं कि अगर क्वालिफिकेशंस क्या रहने वाली हैं, तो यहाँ पर हम बात करते हैं आगे यहाँ पर। और यहाँ पर पूरा पीडीएफ जो है आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वालिफिकेशंस को लेकर। तो अगर आप ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास जो डिग्री है वो बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपके पास जो है स्नातकधारी आप होने चाहिए। इसी तरह से ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर्स के लिए बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। इसीलिए ऑफिसर स्केल 2 के लिए जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर, ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते हैं ऑफिसर स्केल 2 के लिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि जिस फील्ड्स में आप हैं, स्पेशलाइजेशन मैनेजर्स के लिए अलग अलग यहाँ पर जो है दी हुई, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर किस तरह से फॉर्म भरना है। तो IPS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी से आपको यहाँ पर फॉर्म भरना है। बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ी की। अगर आप ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो 175 आपको पे करने पड़ेंगे। अगर आप एससी एसटी और जो है PWD में आते हैं, अगर जनरल में आते हैं तब आपको 850 यहाँ पर पे करने होंगे। इसमें इंक्लूडिंग जो है GST भी लगेगी। इसी तरह से आपके ऑफिस असिस्टेंट में भी दिया हुआ है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चंस की, जो इसमें आपने देखा होगा कि जो प्रीलिम्स होंगे उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। ऑफिस असिस्टेंट्स के लिए रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, इससे ऑफिस स्किल 1 के लिए भी आप देख सकते हैं आएगी। बात करते हैं ऑफिस असिस्टेंट मेंस के लिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग तरीके के पेपर 5 अलग अलग आएंगे। रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इस तरह के आप देख सकते हैं 200 क्वेश्चंस और 200 का यहाँ पर मार्क्स का आएगा, ठीक है। इस तरह से आप अलग अलग यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा लिस्ट ऑफ वर्जन ऑफ टेस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर जिस आप स्टेट से हैं वहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, हिंदी, इंग्लिश। अगर आप साउथ से हैं वहाँ पर आपको तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये रही सारी डिटेल जो हमने आपको बताई। बाकी एग्जामिनेशन सेंटर भी आपके यहाँ पर आपके जो है देहरादून, हल्द्वानी होंगे, अगर आप जो है उत्तराखंड से अप्लाई कर रहे हैं। तो बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी हम आप तक पहुँचाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।